Hello everyone, today we are going to start a new topic in operating system, that is deadlock. So deadlock ko samajhne se pehle kuch basic cheeze hum recall kar le. Deadlock jo hai actually bahut hi interesting aur bahut hi important concept hai operating system ke term mein. Deadlock ke upar bahut sare questions bhi aate hain exam mein. To jo deadlock hai wo basically hota kya hai, usse pehle hum ye dekh le ki a process in operating system uses different resources, right? हमें ये चीज़ें पता है कि operating system को हम कई बार resource manager के नाम से भी जानते हैं. क्यों? क्योंकि operating system का जो basic functionality है वो क्या है? Resource को manage करना. ठीक है, तो ये जो resource manage होते हैं, जो use होते हैं किसी process के through, वो किस तरह से होते हैं? देखिए, इसे हम system model बोलते हैं. जो चीज़ मैं आपको समझाने जा रही हूँ, इसे हम system model बोलते हैं. इसमें क्या होता है, एक प्रोसेस जो है सबसे पहले वो किसी रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट करती है. भाई किसी एक प्रोसेस को अपना एग्जीक्यूशन करना है तो वो किसी रिसोर्स की डिमांड तो करेगी ही. फिर वो रिसोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम उसे एलोकेट करता है, प्रोवाइड करता है जब वो रिसोर्स फ्री होता है या अवेलेबल होता है सिस्टम में. ठीक है, अगर वो रिसोर्स किसी दूसरे सिस्टम दूसरे प्रोसेस के थ्रू होल्डेड है या प्रोसेसिंग में है तो फिर इस प्रोसेस को तो वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक वो रिसोर्स फ्री नहीं होगा तब तक वो ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे देगा. तो या तो ये रिक्वेस्ट करेगा, उसके बाद या तो इसको रिसोर्स मिल जाएगा इस प्रोसेस को, या इसे वेट करना पड़ेगा. ठीक, अब हम मान के चलते हैं ये रिसोर्स मिल गया. तो जब प्रोसेस को रिसोर्स मिल जाता है तो क्या होता है, वो उस रिसोर्स का यूज़ करता है. ऐसा नहीं कि उसने अपने अननेसेसरी कोई डिमांड की है और उसे रिसोर्स मिल गया और वो अपने पास लेकर बैठेगा, ऐसा नहीं है ना. बेसिकली क्या होता है कि जब उसे रिसोर्स प्रोवाइड हो गया तो वो उस रिसोर्स का जो है वो यूज़ करेगा, और यूज़ होने के बाद में अपने जब उस रिसोर्स का यूज़ ख़त्म हो जाएगा तो उस रिसोर्स को रिलीज़ कर देगा, वापस सिस्टम को हैंड ओवर कर देगा. राइट, तो ये एक बेसिक फंक्शनैलिटी है कि रिसोर्स को किस तरीके से रिक्वेस्ट किया जाता है, किस तरीके से वो यूज़ होते हैं और रिलीज़ होते हैं. तो ऐसा बेसिकली होता है. बट अगर हम डेडलॉक की बात करें तो डेडलॉक इज़ अ सिचुएशन वेयर अ सेट ऑफ प्रोसेसेस आर ब्लॉक्ड बिकॉज ईच प्रोसेस इज होल्डिंग अ रिसोर्स एंड वेटिंग फॉर अनदर रिसोर्स एक्वायर्ड बाय सम अदर प्रोसेस. इसका सिंपल सा मतलब ये है कि डेडलॉक एक ऐसी सिचुएशन है हमारे सिस्टम में जब हमारा सिस्टम आगे काम नहीं कर पा रहा है. क्यों काम नहीं कर पा रहा है? क्योंकि ऐसी सिचुएशन आ गई हमारे सामने कि एक प्रोसेस जो है वो किसी दूसरे प्रोसेस के पास जो रिसोर्स है उस रिक्वेस्ट की डिमांड कर रहा है कि भाई मुझे आपसे ये रिसोर्स चाहिए क्योंकि मेरे एग्जीक्यूशन के लिए ये नेसेसरी. नाउ वो प्रोसेस उस रिसोर्स को इसलिए रिलीज़ नहीं कर रहा है क्योंकि वो अभी किसी दूसरे रिसोर्स की डिमांड कर रहा है अपने एग्जीक्यूशन के लिए जो किसी दूसरे प्रोसेस के थ्रू होल्डेड है. तो इस तरीके से ये सारे प्रोसेस एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं क्योंकि जो रिसोर्स की डिमांड ये कर रहे हैं वो किसी दूसरे प्रोसेस के थ्रू होल्डेड है, और वो प्रोसेस भी किसी रिसोर्स की डिमांड कर रहे हैं अपने एग्जीक्यूशन के लिए ताकि वो एग्जीक्यूट हों और फिर इन रिसोर्सेज को रिलीज़ करें. बट हमारे पास सिचुएशन ऐसी आ गई है कि ये सारे के सारे प्रोसेस जो हैं एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो गए हैं, एक दूसरे की रिक्वेस्ट को डिमांड कर रहे हैं. राइट, तो इस कारण से कोई भी प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है. इसको आप इजीली इस डायग्राम से समझ सकते हैं, ये रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ कहलाता है. इसमें देखिए हमारे पास रिसोर्स हैं जिसको हमने रेक्टेंगल के थ्रू रिप्रेजेंट किया है, और ये जो आपको दिख रहे हैं ये प्रोसेसेस होते हैं. राइट, हमारे पास दो प्रोसेस है, प्रोसेस वन एंड प्रोसेस टू, और दो रिसोर्स है, रिसोर्स वन एंड रिसोर्स टू. अब हो क्या रहा है यहाँ पर, ये एक डेडलॉक की सिचुएशन आ रही है यहाँ पर. राइट, देखिए क्यों आ रही है, क्योंकि ये जो प्रोसेस वन है वो रिसोर्स टू, अब ये रिसोर्स कुछ भी हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल प्रिंटर हो सकता है, आपका स्कैनर हो सकता है, कुछ भी, आप कोई भी रिसोर्स ले सकते हैं. और हम मान के चलते हैं कि इनके पास एक ही इंस्टेंस है. एक ही इंस्टेंस का मतलब एक ही प्रिंटर है, एक ही स्कैनर है हमारे पास, है ना. तो हमारे पास डेडलॉक कैसे होगा, ये जो प्रोसेस वन है वो रिसोर्स टू की डिमांड कर रहा है कि भाई मुझे रिसोर्स टू चाहिए और रिसोर्स टू मुझे मिलेगा तभी मैं एग्जीक्यूट हो पाऊँगा. ऑल राइट, लेकिन ऑलरेडी इसने एक रिसोर्स वन होल्ड किया हुआ है, मतलब प्रोसेस वन के पास रिसोर्स वन ऑलरेडी होल्डेड है, असाइंड है, और ये किसको डिमांड कर रहा है,
रिसोर्स R2 के लिए डिमांड कर रहा है। तो इसको मैं और अच्छे से समझाती हूँ। ये जो है इसके थ्रू होल्डेड है, इसलिए एरो मैंने अंदर बना दिया, और ये जो है ये रिक्वेस्ट कर रहा है, एरो बाहर ही रखते हैं। अब जो सेकेंड प्रोसेस की अगर हम बात करें तो इसने रिसोर्स 2 को होल्ड किया हुआ है, असाइंड है ये रिसोर्स 2, जो प्रोसेस 1 चाह रहा है लेना वो किसके पास है, किसके पास होल्डेड है, भाई प्रोसेस 2 के पास होल्डेड है, और ये डिमांड किसकी कर रहा है, रिसोर्स 1 की, जो प्रोसेस 1 के पास होल्डेड है। अब देखिए प्रोसेस 1 बोल रहा है नहीं मुझे रिसोर्स 2 चाहिए, ऑलरेडी उसके पास रिसोर्स 1 है, रिसोर्स 1 को वो रिलीज़ नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो बोल रहा है भाई मुझे रिसोर्स 2 दो, तब मैं अपना एग्जीक्यूशन करूँगा और फिर रिलीज़ करूँगा रिसोर्सेज को। पर ये रिसोर्स 1 की डिमांड प्रोसेस 2 के थ्रू है कि भाई रिसोर्स 1 दो, तब मैं अपना एग्जीक्यूशन करूँगा, तब रिसोर्स 2 मैं रिलीज़ करूँगा, तो आप ले लेना। बट यहाँ पर ऐसा हो नहीं पा रहा, मतलब दोनों प्रोसेस के पास एक एक रिसोर्स होल्डेड है जो एक दूसरे प्रोसेस के थ्रू रिक्वेस्टेड भी हैं, तो हमारा सिस्टम जो है वो आगे बढ़ नहीं पा रहा है, राइट? इसको जो है आप इजीली इस डायग्राम से भी समझ सकते हैं, जो डेली लाइफ का एक एग्जांपल है ताकि आपको इजीली समझ में आए। आपने देखा स्क्वायर है ना, जो हमारे जंक्शन स्क्वायर्स होते हैं वहाँ पर आपने देखा है। व्हीकल्स की अगर हम बात करें तो ये देखिए, अगर हम सारे रोड्स को अलाउ कर देंगे कि भाई आप सारे रोड जो हैं, आप सारे ये जंक्शंस जो हैं ये चालू है, आप कोई भी व्हीकल यहाँ से क्रॉस हो सकता है, तो देखिए एक सिचुएशन ऐसी आ जाएगी जो ट्रैफिक जैम की कंडीशन कहलाती है, कि भाई यहाँ से व्हीकल्स को हमने अलाउ किया पास होने के लिए और इस जंक्शन से भी अलाउ किया हमने पास करने के लिए, तो ये कार यहाँ से जा रही है, ये कार यहाँ आई, लेकिन ये कार आगे नहीं बढ़ पा रही क्योंकि ये जंक्शन भी चालू था, तो यहाँ से कार आ रही है, तो अब ये कार यहाँ आ रही है तो ये कार यहाँ से जा नहीं पा रही, और ये कार आगे क्यों नहीं बढ़ पा रही, क्योंकि ये जंक्शन भी चालू था तो कार यहाँ पर ऑलरेडी जा रही है, तो ये कार आगे नहीं बढ़ पा रही। अब ये कारें आगे नहीं बढ़ पा रही क्योंकि यहाँ से ऑलरेडी जंक्शन चालू था, तो ये कारें यहाँ स्टॉप हो गई, मतलब ये देखिए एक डेड लॉक की सिचुएशन आ गई। आप इजीली समझ सकते हैं कि अब कोई भी व्हीकल आगे नहीं बढ़ पाएगा क्योंकि एक दूसरे जंक्शन के थ्रू ये होल्ड हो गई हैं, राइट? तो ये एक सिचुएशन है जो डेड लॉक की सिचुएशन है। आप इसको और अच्छे से एक आगे समझ सकते हैं, एक एनिमेशन मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ। होप आपको एनिमेशन से ज़्यादा क्लियर हुआ होगा, है ना, कि डेडलॉक क्या होता है। तो जो डेडलॉक है उसके लिए बेसिकली चार नेसेसरी कंडीशंस होती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं। एक बात ध्यान रखने वाली बात है कि इन चारों कंडीशन का सिस्टम में एक साथ होना ही डेडलॉक को अकर करता है, राइट? आई एम क्लियर?
मैंने कहा कि ये चारों कंडीशंस एक साथ जब सिस्टम में अकर होती हैं तो हमारा सिस्टम डेडलॉक में फंसता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इनमें से कोई एक कंडीशन हुई है तो हमारा सिस्टम जो है वो डेडलॉक में है, राइट। तो पहले हम देखते हैं कि नेसेसरी कंडीशन क्या है हमारे डेडलॉक के लिए। दे आर म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, नो प्रिम्पशन एंड सर्कुलर वेट। आपको इजीली समझाती हूँ मैं। देखिए, म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या होता है? म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब होता है कि यहाँ पर जो म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब, देखिए हमारे सिस्टम में बहुत से रिसोर्सेज होते हैं। लाइक अभी ये आप जो वीडियो देख रहे हैं ये भी एक तरीके का रिसोर्स है जो कि शेयरेबल है। शेयरेबल का मतलब कि आप सेम टाइम पे अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा वीडियो नहीं देख सकता। या रेडियो का एग्जांपल ले लीजिए कि वो एक शेयरेबल रिसोर्स है कि अगर आप एक कोई वीडियो सुन रहा है, सॉरी रेडियो सुन रहा है, तो कोई दूसरा रेडियो को उसी टाइम पे नहीं सुन सकता। ऐसा नहीं है, क्योंकि वो शेयरेबल रिसोर्सेज हैं। तो हमारे सिस्टम में एटलीस्ट एक ऐसा रिसोर्स होना चाहिए जो नॉन शेयरेबल हो, ठीक है। नॉन शेयरेबल का मतलब है कि कोई भी प्रोसेस उसको वन बाय वन ही, सारी जो प्रोसेस हैं हमारे सिस्टम में वो वन बाय वन ही उसको एक्सेस करे, मतलब एक साथ एक्सेस नहीं कर सकती। वो पहले एक प्रोसेस के पास जाएगा, वो प्रोसेस उसे यूज़ करेगी, फिर रिलीज़ करेगी, फिर कोई दूसरा प्रोसेस उसे क्या करेगा, एक्सेस करेगा। तो वन और मोर देन वन रिसोर्स आर नॉन शेयरेबल, ठीक। तो जब ये म्यूचुअल एक्सक्लूशन कंडीशन ऐसी बोलती है कि वन बाय वन ही प्रोसेस को एक्सेस करना चाहिए, क्योंकि अगर एक साथ एक्सेस करेंगे तो वो पहले वाली कंडीशन जो मैंने आपको रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में समझाई कि तो वो होने के चांसेस है ना, कि वो एक ने उसको होल्ड भी किया हुआ है और दूसरा उसके डिमांड भी कर रहा है। तो इस तरीके से हमारा जो सिस्टम है वो डेडलॉक में फंस सकता है। नाउ द सेकंड कंडीशन इज़ होल्ड एंड वेट, अ वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन और बहुत इजीली आपको समझ में आएगी। होल्ड एंड वेट, देखिए आप एक एग्जांपल ले सकते हैं। होल्ड एंड वेट में क्या होता है कि मान लीजिए आप किसी पार्टी में गए, राइट, और उस पार्टी में आप और आपके फ्रेंड किस स्टॉल पे गए खाने। तो ऐसी सिचुएशन थी कि आपके फ्रेंड ने एक स्पून उठाया और आपने एक बाउल उठाया, लेकिन आपको जो जो भी आइटम खाना है, जो भी आपको डिश लेनी है, उसके लिए आपको बाउल भी चाहिए और आपको स्पून भी चाहिए, राइट। तो आप क्या करेंगे, एक के पास तो बाउल है, एक के पास स्पून है, तो या तो आप उसे बाउल दे दीजिए या वो आपको स्पून दे दे। लेकिन आप दोनों ही क्या बोलेंगे, नहीं आप मुझे दो तो मैं खा लेता हूँ फिर मैं तुम्हें दे दूँगा, या तुम मुझे दो, ये वाली कंडीशन आएगी। तो ये होल्ड एंड वेट की कंडीशन है कि आपने बाउल को होल्ड किया हुआ है और आप स्पून का वेट कर रहे हैं, और आपके फ्रेंड ने स्पून होल्ड किया हुआ है और वो बाउल का वेट कर रहा है। तो ऐसे ही प्रोसेसेस भी होती हैं जो क्या कर रही हैं कि ऑलरेडी उनके पास कोई रिसोर्स है, होल्ड किए हुए हैं, और वो किसी दूसरे रिसोर्स की डिमांड कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो जब ऐसी कंडीशन हर प्रोसेस करेगा तो अगेन हमारा सिस्टम जो है वो डेडलॉक में फंस सकता है। नाउ नो प्रिम्पशन, नो प्रिम्पशन का मतलब होता है कि अगर कोई प्रोसेस किसी रिसोर्स का वेट कर रहा है, राइट, तो वो दूसरी, देखिए नो प्रिम्पशन का मतलब होता है कि आप किसी प्रोसेस से, आपके पास आपने किसी रिसोर्स का सडनली डिमांड किया है, तो अगर वो रिसोर्स किसी दूसरे प्रोसेस के पास में है तो आप उस प्रोसेस से मतलब छीन नहीं सकते, है ना। वो रिसोर्स ये नहीं बोल सकती कि नहीं ये मेरे थ्रू रिक्वेस्टेड है और मेरी प्रायोरिटी हाई है या जो भी, तो मैं उसे ले लूँ, ऐसा नहीं कर सकते। नो प्रिम्पशन है मतलब जो भी रिसोर्स, और रिसोर्स कैन नॉट बी टेकन फ्रॉम अ प्रोसेस अनलेस द प्रोसेस रिलीज द रिसोर्स, मतलब खुद से अगर प्रोसेस रिलीज नहीं करता है उस रिसोर्स को, तो कोई दूसरी प्रोसेस जो उस रिसोर्स को रिक्वेस्ट कर रही है वो ज़बरदस्ती नहीं ले सकती, राइट। एंड दिस लास्ट वन इज सर्कुलर वेट, अ सेट ऑफ प्रोसेसेस आर वेटिंग फॉर ईच अदर इन सर्कुलर फॉर्म। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है डेडलॉक के लिए। हालांकि ये चारों ही कंडीशन इंपॉर्टेंट है, चारों नेसेसरी कंडीशन है डेडलॉक के लिए, बट द सर्कुलर वेट, अ सेट ऑफ प्रोसेसेस आर वेटिंग फॉर ईच अदर इन सर्कुलर फॉर्म। मतलब देखिए यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता कि अगर मेरे पास P1 है, P2 है और P3 है,
राइट, P1 एक रिसोर्स की डिमांड कर रहा है जो P2 के पास है एंड P2 एक रिसोर्स की डिमांड कर रहा है जो P3 के पास है. मैंने ये आपको एनिमेशन में भी समझाया था. तो क्या डेडलॉक है? क्योंकि इसको जो रिक्वेस्ट चाहिए वो P2 के पास है, इसको जो रिक्वेस्ट चाहिए वो P3 के पास है. तो क्या ये डेडलॉक है? नहीं, ये डेडलॉक नहीं है क्योंकि यहाँ पर कोई साइकिल नहीं बन रही, और जब तक कोई साइकिल नहीं बनती सिस्टम डेडलॉक में नहीं होता, क्योंकि भाई P3 के पास जो भी रिसोर्स है वो उसको यूज़ करेगा और रिलीज़ कर देगा, और रिलीज़ करने के बाद वो P2 को मिल जाएगा और P2 एग्जीक्यूट होगा, फिर वो सारे रिसोर्सेज को रिलीज़ करेगा, फिर वो P1 को दे देगा, इस तरीके से P1 एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो सारे प्रोसेस एग्जीक्यूट हो जाएंगे. तो इस कंडीशन को तो हम डेडलॉक नहीं बोल रहे हैं. हम डेडलॉक जब बोलते हैं जब हमारे पास ऐसी कंडीशन हो कि P1 जो है वो रिक्वेस्ट कर रहा है P2 से किसी रिसोर्स के लिए, और P2 P3 से रिक्वेस्ट कर रहा है, बट P3 अगेन P1 से किसी रिसोर्स की डिमांड कर रहा है ना. मतलब ये एक साइकिल फॉर्म हो गई है नाउ. तो ये जब साइकिल फॉर्म हो जाती है तो इस कंडीशन को हम डेडलॉक कंडीशन बोलते हैं. सो थैंक यू.